2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। इटावा लोकसभा सीट पर पहुंचे हैं, जहां पर हम जनता जनार्दन से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके कितने मुद्दे पूरे हुए और नेता ने यहां पर कितना काम किया और जनता उन अपने नेताओं से कितना संतुष्ट है। आगामी 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है, केवल एक हफ्ता शेष बचा है, तो जनता से जानेंगे कितना काम हुआ। चाचा नाम क्या है? नंदराम। क्या माहौल है बताइए? माहौल किसका है? बीजेपी को। नाम क्या है? भूपेंद्र भदौरिया। अच्छा, क्या लगता है 5 सालों में जो आपके सांसद हैं उन्हें कितना काम किया और आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? बहुत संतुष्ट हैं, और काम के बारे में बताएं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे फरकाबाद फाटक हो या बर्तना बाईपास हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे बस इटावा ठहराव हो, बहुत से अच्छे ऐसी एक्सप्रेस वे हैं जो, चाहे पासपोर्ट बना हो इटावा में बनता है, और बहुत से ऐसे काम हैं जो यहाँ हुए हैं। सपा कांग्रेस तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, इंडिया अलायंस का नाम दे दिया है, तो इस चुनाव में इंडिया अलायंस को कहाँ देख रहे हैं आप लोग? कहीं नहीं है, सब ठगाई के साथ हो गए। जनता कैसे जवाब देगी? जनता वोट डाल के जवाब देगी। बताइए नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार जी। इसमें सांसद बने थे रामसा कठेरिया, संतुष्ट है? नहीं है, संतुष्ट है। कितना काम किया उन्होंने? उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय खुलवाया डाकघर में, ओवर ब्रिज का काम किया, चंबल एक्सप्रेस वे का काम अभी शुरू हो जाएगा जुलाई से, ये सारे काम उन्होंने विकास के किए हैं। अभी मीटिंग हुई तब भी आए थे। 2024 में उन्होंने दोबारा प्रत्याशी बनाया है, तो आप लोगों का क्या मन? हम उनसे संतुष्ट हैं, हम उनके साथ हैं। बताइए। हाँ, संतुष्ट नहीं है? जनता क्या चाहती है? कौन से काम है और नहीं हुए आपके? आप बताइए चाचा नाम क्या है? रविंद्र कुमार। क्या लगता है 5 साल पहले सांसद कठेरिया जी बने थे, अब कितना काम उन्होंने किया? जनता संतुष्ट नहीं आप लोग? नहीं, जनता संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं, काफी काम किया है। पहले सपा बसपा गठबंधन था और इस चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन है, नया नाम दे दिया इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस कहाँ दिख रहे हैं आप लोग? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, पहले भी जो गठबंधन हुए हैं तब कहाँ चले गए? इटावा की जनता अपना नेता कैसा चाहती है, आपसे सुनना चाहता हूँ। काम करने वाला, काम करने वाला। माहौल क्या, समीकरण क्या बनना है इटावा सीट पर? भाई इटावा सीट तो हम बीजेपी की अच्छी लग रहे हैं। अच्छा, हाँ बताइए चाचा नाम क्या है? सुधीर सिंह चौहान। चौहान साहब बताइए इटावा माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है, और बीजेपी आएगी 400 पार लेके आएगी, ये दावा है। अच्छा, चाचा बताइए। योगेंद्र कुमार। क्या मुद्दे आपके हैं जो जिन मुद्दे आप लोग अपना वोट करेंगे? सरकार जीतेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, योगी मोदी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जो नहीं हो पाए आप? यहाँ के कर्मचारी थोड़ा खराब है। अच्छा, बाकी सांसद तो प्रशासन मशीनरी से नाराज है। हाँ हाँ, तो बाकी सपा ने जितेंद्र दौरे को अपना प्रत्याशी बनाया, उनको चुनाव में कहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई साहब बताइए क्या मुद्दे? दीपक दीक्षित। हमारे तो मुद्दे सब बढ़िया हैं, चल रहा है अच्छा। 2019 में सांसद बने थे रामशंकर कठेरिया, 5 सालों में आपका दिल जीत पाए? नहीं जीत पाए। बस रामशंकर कठेरिया से थोड़ा इतनी दिक्कत है कि वो क्षेत्र में थोड़ा कम घूमे हैं, क्योंकि मेरे गांव में तो मैंने उनको 5 साल में नहीं देखा, लेकिन जो है कि वैसे कर्मठ है, ठीक है, काम हम किया नहीं किया, काम तो घर कर रहा है। बाकी आपके रिपोर्ट कार्ड में, आपके रिपोर्ट कार्ड में फेल है पास, ये बताओ। नहीं, पास तो है, उसने इटावा जिला में काम अच्छा किया है, बाकी क्षेत्र में थोड़ा ने कम घूमे, बाकी सब बढ़िया है। तो इटावा सीट पे समीकरण क्या बनना है? अब की बार 400 पार। चाचा बताइए। हम तो कतई संतुष्ट नहीं है रामशंकर कठेरिया से, क्योंकि अभी पिछले 5 साल में कभी ना यहाँ जनता के बीच में आए, ना उन्होंने कोशिश की, और अभी चुनाव जो चल रहा है समय, और ना उन्होंने कोशिश की, वो सिर्फ अपने चाटकारों से चलते रहे, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होता है, इतनी अनियमितताएं होती हैं, चाहे प्रधान संघ को लेकर ले लो, क्योंकि ये चूंकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे बनाएंगे बताइए? हम तो किसी को नहीं चाहते हैं, हम तो नोटा में वोट करेंगे, ये नोटा में। प्रधानमंत्री कैसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तो मोदी ही होगा, क्योंकि उनका तो वो चलता ही है। वोट नोटा है प्रधानमंत्री मोदी? हाँ, हमारा वोट। चाचा आप बताइए। नहीं, मोदी जीतेगा। अच्छा, कितना काम किया मोदी ने? मोदी ने सबको घन साफ पानी कर रहा है। अच्छा, हाँ, सब टंकी बनवाई, सब वही कर रहा है, और भाव का हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, गांव के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, गांव तक योजना कितनी पहुंची है? सब पहुंची है भाई। आप लोग खुश हैं कि नहीं है? बहुत खुश हैं। अच्छा, हाँ, फिर जब आज खड़े हैं तो कठेरिया जी क्या लग रहा है, जीत रहे हार रहे हैं? अरे जीतेंगे साहब कठेरिया। आप बताइए चाचा, बताओ क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे?
प्रादेशिक मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों सॉल्व हैं सब। ये चुस्त दुरुस्त जो शासन व्यवस्था है और सारी योजनाएं जो सही से हो रही हैं, इनकी दम पर वोट तो देना पड़ेगा। मोदी को जिताना है और योगी के शासन पे जो अच्छा चल रहा है इस पे मोहर लगानी है, इसलिए मोहर लगा। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे देश में जो देख रहे हैं, धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने ढाई राम मंदिर को लेकर कई सालों सदियों से पीढ़ियां हमारी देख रही थी, राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व किया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाए और भी बहुत से। अब हमारी देश की बेटियां चाहे हमारे गांव से निकल के सैफई रात के 12 बजे जा सकती हैं, कोई भी गैर हमारी बेटियां बहन बेटी एकदम सुरक्षित है, हमारे यही मुद्दे हैं। और इटावा सीट पर माहौल क्या है? इटावा सीट 3.5 लाख पार कौन जीत रहा है? रामशंकर कठेरिया। तो देखिए, इटावा के हम ददोरा गांव में थे, बर्तना विधानसभा का क्षेत्र है, तमाम जनता के लोगों से हमने उनकी मत जानने का प्रयास किया, उनका मूड जानने का प्रयास किया, तो यहाँ के वोटर्स ने अपने विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये तो आने वाले 13 मई को साफ होगा और आने वाले 4 जून को साफ हो पाएगा कि इटावा की जनता अपना नेता किसे चुनती है और किस तरह राशि लगा के अपना सांसद बनाती है। रफ्तार मीडिया के लिए इटावा से इंजीनियर सनत तिवारी।